प्रयागराज के संगम तट पर इन दिनों आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जहां 47 दिनों तक चलने वाले धार्मिक मेले माघ मेले में देश विदेश के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवास भी करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में संगम की रेत पर बसा क्रिया योग आश्रम का शिविर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिविर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ साथ विदेशी लोगों की एक टोली भी कल्पवास करती हुई नजर आ रही है। वहीं क्रिया योग आश्रम के संस्थापक योगी सत्यम महाराज का कहना है, बस वह बीते 40 सालों से क्रिया योग का अभ्यास लोगों को करवा रहे हैं और हर साल सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से और विदेश के अलग अलग देशों से लोग उनके शिविर में आते हैं और एक महीने तक कल्पवास करते हैं। इस क्रिया शिविर में आपको हिंदू मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, हर जाति के मिलेंगे, प्रत्येक प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं। और यही नहीं, जैसे साउथ अमेरिका से, ब्राज़ील से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, यूरोप से हैं, नेपाल से हैं, यहाँ पर आकर के लोगों को मिलता क्या है, उनको जब एक एकता अनुभव करते हैं तो उनका टेंशन दूर हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, उनकी आदतें छूट जाती हैं। यहाँ इतने भयंकर भयंकर लोग बीमार आए, कैंसर के आए हैं, डायबिटीज़ के आए हैं, ब्लड प्रेशर के आए हैं, आश्चर्य हुआ कि सब ठीक होकर के जा रहे हैं। हमें खुद आश्चर्य हो रहा है, हम व्यक्तिगत अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्लास मैनेज से ठीक हो रहे हैं। तो शिविर का लक्ष्य क्या हो गया है, हम विश्व एकता चाहते हैं। विश्व एकता कैसे होगी, जब तक संविधान एक नहीं होगा पूरे राष्ट्रों का एकता होगी नहीं। जैसे आइंस्टाइन ने लिखा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सब पढ़ते हैं, ये नहीं कहते हम हिंदू नहीं पढ़ेंगे, हम मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे, हम बुद्धिज्म नहीं पढ़ेंगे, उस वजह से सभी पढ़ते हैं। तो ऐसे एक ऐसा संविधान हो जिसको पढ़ने के लिए सब व्याकुल हो जाएं, इतना अच्छा हो, इतने छोटे में हो और सब उसको पढ़ें और उस पर चलने में सक्षम हो जाएं, तब पूरे यूनिटी होगी। हम लोग का संकल्प है इस आश्रम का एक ऐसा संविधान बनाने का जिसको सब पसंद करेंगे और झगड़ा दूर करेगा, बीमारियां दूर करेगा, तनाव दूर करेगा। संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले में एक और अनोखा संगम देखो जा रहा है और ये संगम है अलग अलग देशों से आए लोगों का, प्रदेश के लोगों का संगम देखा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग एक ही शिविर में आकर के क्रिया योग कर रहे हैं और हम उसी जगह मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने कि यहाँ पर आपको महिलाएं भी दिख रही हैं, पुरुष भी दिख रहे हैं, कुछ युवा लोग भी हैं और देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं वो भी यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, विदेश के भी जो लोग हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो सभी जिलों से यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं और क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि हर साल जब भी माघ मेला या कुंभ मेला लगता है तो ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं और कल्पवास करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये विदेशियों का जो कल्पवास है वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है, देश के लोगों का कल्पवास देखा जा रहा है। साथ ही साथ एक ही शिविर में सभी लोग बैठ करके क्रिया योग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद अखिल रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज।